सो वेलकम गाइस, स्वागत करता हूं सभी का एक और नई मेक मनी ऑनलाइन वीडियो के अंदर, जिस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं कि कैसे भाई एक सिंगल रेफर करके, सिर्फ एक रेफर करके आप 500-500 के कड़क नोट कमाने वाले हो, 500-500 के कड़क नोट आप अर्न करने वाले हो। और कितने अमाउंट में भाई? कंप्लीट 3000 रुपीज के नोट आप कमाने वाले हो। यानी कि क्या भाई, एक सिंगल रेफर आपको करना है, उसके लिए 3000 का पेमेंट आपको मिलने वाला है। कोई भी मजाक मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, कोई जोक यहाँ पे नहीं हो रहा है, इस बात को सीरियसली लेना हो। और जो मैं आपको 3000 रुपीज का अमाउंट बता रहा हूँ, डेफिनेटली 110% की श्योरिटी के साथ ये बोलता हूं आप ये अमाउंट अर्न करने वाले हो। लेकिन द मेन क्वेश्चन इज कैसे अर्न करेंगे भाई, प्रोसेस उसका क्या होने वाला है। तो अरे इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे, कैसे आप 3000 रुपीज का अमाउंट अर्न करने वाले हो, कैसे आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, और एट द एंड किस तरह से आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा। तो भाई ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं इस वीडियो में। करते हैं उससे पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, और ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आपको डेली देखने को मिलती रहती है जिनसे आप डेली अर्निंग कर सकते हो। तो भाई अभी नीचे क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आप डेली देखोगे जिनसे आप डेली अर्निंग करोगे। तो भाई आगे बढ़ते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर बात करते हैं इस अमेजिंग रेफरल प्रोग्राम ऑफर के बारे में। भाई एक ऐप की आपको जरूरत पड़ेगी जिसकी डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कहीं पर भी नहीं भटकना है, कहीं पर भी सर्च नहीं करना, लिंक पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक। लिंक पे जैसे आप क्लिक कर दोगे प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, और वहां से आपको क्रेडिट कोड ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब हो सकता है ऑलरेडी ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हो, अगर इंस्टॉल्ड है तो भाई वेल एंड गुड, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इजीली वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऐप है, कोई भी पैसा या फिर कोई भी खर्चा यहां पर आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ओपन कर लोगे ऐप को, तो भाई ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहां पर सबसे पहले आप यहां पर अर्निंग देख सकते हो। भाई मेरे वॉलेट में अभी यहां पर 110 रुपीज का अमाउंट अवेलेबल है, जो कि फिलहाल तो मैं विड्रॉ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो विड्रॉल है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो मैंने यहां से टोटल 4571 रुपीज की जो अर्निंग है वो की है, जो कि आप यहां पे देख सकते हो। और यहां से अगर आप फिल्टर करना चाहो तो भाई यहां से आप जो है फिल्टर भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मैंने यही अमाउंट जो विड्रो किया 405, 310, 295, यही अमाउंट मैंने यहां से विड्रो किया, जो कि सक्सेसफुली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो गया। मिनिमम जो विड्रोल है वो यहां से 250 रुपीज का लगता है, जो कि इजीली आपके लिए बाएं हाथ का काम है, आसानी से आप ये अर्न कर पाओगे। भाई 3000 रुपए एक सिंगल रेफर का अमाउंट आपको मिल रहा है, तो भाई 250 वहां पे कहां इसके आसपास आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है। तो आसानी से आप अर्न कर पाओगे और काफी अच्छे से आप यहां पे विड्रोल भी अपना जो सबमिट कर पाओगे। कौन सा ऑफर है उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर आप देखोगे काफी सारी कैटेगरी आपको मिल जाएगी, क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएंगे वो आप रेफर कर सकते हो, डीमैट अकाउंट आप रेफर कर सकते हो, सेविंग्स अकाउंट आप रेफर कर सकते हो। और भाई डीमैट अकाउंट में भी काफी तगड़े तगड़े ऑफर है। ये एक अपस्टॉक्स का ऑफर है, यहां पर इसके ऊपर ऑलरेडी ये वाली वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर विजिट कीजिए या आई बटन में जाकर देखिए, ये वीडियो आपको जरूर से जाकर देखनी है। 1200 रुपीस एक सिंगल रेफर से अपस्टॉक्स से आप अर्न कर सकते हो। दूसरा ये एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको शेयर मार्केट बाय फोन पे ऐप के बारे में बताया, डीमैट अकाउंट के बारे में बताया, जहां पर आपको 300 रुपीस एक सिंगल रेफर का अमाउंट मिल रहा है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, और ये वाली वीडियो है जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब अगर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज वाले कैंपेन के बारे में, तो भाई यहां पर ये म्यूचुअल फंड वाली कैटेगरी में आपको आ जाना है। यहां पर आप आएंगे तो आप देख पाएंगे यहां पर एक म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलता है। भाई ये आपको देखने को मिलता है फंड्स इंडिया म्यूचुअल फंड, जहां पर भाई पेमेंट कितना है, यहां पर आप 3000 रुपए एक सिंगल रेफर का अमाउंट अर्न करने वाले हो। कैसे अर्न करना है वो मैं आपको आगे इसी वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। यहां पर अगर आप देखते हो तो 1700 रुपीज का अमाउंट यहां पर लिखा है, लेकिन यहां पर नीचे अगर आप देखते हो तो अर्न अप टू 3000 ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यहां पर लिखा है। और भाई काफी लोग यहां पे लीड्स ऐड भी कर रहे हैं और यहां पर अर्निंग भी कर रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हो, जिनसे 510 रुपीस की अर्निंग मेरी हुई है, 3 लोगों ने यहां पर जो लीड है वो ऐड की है। और यहां पर भाई ट्रैकिंग टाइम जो आपका 10 डेज का है और कंफर्म टाइम 10 डेज का है, यानी कि लेके चलिए एक आमतौर पर अपना जो 15 दिन का टाइम है वहां पर आपका जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा, सॉरी आपका वॉलेट में आपको मिलेगा, और वॉलेट से उस अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। बाकी यहां पर आपको आ जाना है हाउ टू अर्न वाले सेक्शन में, और यहां पर जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आप देख सकते हो। ये कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है, जो आप पढ़ के अपना जो अकाउंट है वो यहाँ ओपन कर सकते हो, अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हो। अगर अकाउंट ओपन करना काफी इजी है, इजीली आप कर पाओगे, और आपके लिए बाएं हाथ का खेला आई नो, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सभी जो अकाउंट्स है वो क्रिएट करते रहते हो। अगर नहीं आपको क्रिएट करना आता है तो बस सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए
हाउ टू ओपन फंड्स इंडिया अकाउंट ऑनलाइन। तो आप सर्च करोगे आपको काफी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। भाई कोई भी वीडियो प्ले करो और वो वीडियो देख के उस वीडियो के रेफरेंस से अपना जो अकाउंट है वो आप यहाँ पे इजीली क्रिएट कर पाओगे। बाकी अगर और भी कोई इशू अगर आप फेस करते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टेक्ट करो, आपकी मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है जिनको आपको फॉलो करना जरूरी है, वो चीजें मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। अगर आपको 3000 रुपीज का पेमेंट चाहिए तो भाई यहाँ से आपको वीडियो को अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ देखना है, कंप्लीट वॉच करना है, स्किप कर करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। क्योंकि भाई मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आपका किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, मैं यही चाहूंगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से अर्न कर पाओ। कैसे अर्न करोगे वो प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो भाई अकाउंट आपको ओपन कर लेना है, कैसे ओपन करोगे, यहाँ नीचे आपके लिंक बन जाएगी, शेयर नाउ बटन पर क्लिक करोगे, लिंक आपके जनरेट करोगे, उस लिंक पे क्लिक करके अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो वो आपके अंडर मैप होगा और उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको ही मिलेगा। अब यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो तीन तरीके से आपको मिलता है। पहला जो आपका अमाउंट है वो यहाँ पर आपको 1500 रुपीज का अमाउंट मिलता है अगर आप यहाँ पे फंड ऐड कर देते हो 1500 रुपीज का और अपना एक SIP में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हो जो कि आप करते हो लमसम में, तो यहाँ पर आपको 1500 रुपीज का अमाउंट मिल जाता है। अब यहाँ पर तीन तरीके हैं जिनमें तीनों में आपको अलग अलग तरीके से अमाउंट मिलता है। किसी में कुछ अमाउंट से इन्वेस्ट करना है, किसी में कितना आपको रिटर्न मिलता है यानी कि जो पे आउट अलग मिलता है। तो तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ, आपको आपके अकॉर्डिंग देखना है आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो और कौन सा बेस्ट रहेगा वो भी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहला ये आपको ऑप्शन मिलता है 1500 रुपीज फंड ऐड करो और आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट कर देना है टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में करना है। ये वाला पॉइंट आप पढ़ सकते हो, आपको जो इन्वेस्टमेंट है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में करना है। इसके अलावा किसी अदर म्यूचुअल फंड में आप करोगे तो ऐसे में आपको जो रिवॉर्ड है वो नहीं मिलेगा, तो आपको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो करना है। बाकी यहाँ पर अगर 1500 रुपए का लमसम में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हो तो भाई 1500 रुपए का आपको पेमेंट मिल जाता है, यानी कि 1500 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, 1500 आपको रिटर्न मिल गया। तो यहाँ पे भाई नील बटा नील, ना तो आपका लॉस हुआ है ना तो आपका प्रॉफिट हुआ है। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि भाई लमसम क्या है, तो भाई आपको बता दूं SIP दो तरीके से आप SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक आप कर सकते हो SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट डेबिट होता है, जो भी आप अमाउंट सेट करते हो ऐसे कि 100, 200, 500 वो आपके ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से डेबिट होता है और SIP में जाके म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट होता रहता है। और दूसरा होता है भाई लमसम। लमसम में ये होता है आप वन टाइम के लिए ही पे करते हो, जैसे कि यहाँ पर 1500 रुपये का एग्जाम्पल दिया है, 1500 रुपीज आप वन टाइम के लिए पे करते हो, दूसरे महीने वो आपके बैंक अकाउंट से डेबिट नहीं होता है, ये सिर्फ वन टाइम का एक ट्रांजेक्शन है, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है जो कि आप SIP के थ्रू करते हो यानी कि म्यूचुअल फंड में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करते हो। अब ये एक तरीका हो गया 1500 रुपए इन्वेस्ट करो, 1500 रुपए अर्न करो। दूसरा यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है भाई ये वाला, जहाँ पर अगर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको यहाँ पे 1200 रुपीज का अमाउंट मिलता है। अब यहाँ पर भी कोई भी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको SIP करना होगा। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन तो नहीं किया है कि आपको SIP करना है या फिर आपको यहाँ पे लमसम करना है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी आपको SIP ही करना होगा। मैंने कस्टमर सपोर्ट से भी कंफर्म किया आपको SIP करना है और यहाँ पर आपको 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर देना है। अगर आप 1000 रुपीज टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो SIP में तो यहाँ पर आपको 1200 रुपीज का अमाउंट मिलता है। अब ये हो गया दूसरा तरीका जिसमें आपको 1200 रुपीज का अमाउंट मिलेगा। तीसरा और सबसे बेस्ट, जो कि भाई मुझे तो काफी बेस्ट लगा और आपको भी बेस्ट लगेगा, अब यहाँ पर ये है कि अगर आप SIP के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के अंदर, मिनिमम 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 500 रुपए का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर 3000 रुपीज के पेमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जी हाँ भाई, सिर्फ 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में आपको यहाँ पे 3000 रुपए का पेमेंट मिल रहा है, जो कि इजीली आप अर्न कर पाओगे। अब यहाँ पर कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना है, कुछ चीजें फॉलो करनी है जो कि मस्ट है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज वो क्या कि आपको हमेशा जो आपका इन्वेस्टमेंट करोगे फंड्स इंडिया में वो आपका टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के अंदर ही करना है। आप जब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लोगे, सेटअप कर लोगे, तो आपको काफी तरह के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलेंगे। वहीं पर आपको एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको क्लिक करना है, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है और उसी में आपको 500 रुपए की SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर देना है। अब SIP जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक जो आपका 500 रुपए का अमाउंट है वो डेबिट होगा और आपके SIP में जाके इन्वेस्ट होगा। लेकिन उससे भी आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, उसका भी तोड़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसमें ये होगा कि आपने वन टाइम के लिए अभी का तो आपने 500 अमाउंट पे कर दिया और बाद में वो अमाउंट पे करने के बाद में आप अपना ई मैंडेट स्टार्ट कर देते हो, आपके बैंक अकाउंट से अपना ई मैंडेट कर देते हो, यानी कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से जो 500 रुपए का अमाउंट है वो डेबिट होता रहे।
अब जब आप ये कंप्लीट कर देते हो आपका इन्वेस्टमेंट और ई मैंडेट, इसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर 3000 का पेमेंट आपको मिल जाता है जो कि आपके क्रेडिट कार्ड ऐप के अंदर आपको मिलेगा, और वहां से आप इस अमाउंट को इजीली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाओगे। तो भाई यहाँ तो आपका जो काम है वो खत्म हो गया है, 3000 रुपये आपने अर्न कर लिया, अपना जो अमाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर लिया, तो यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, अब आगे की बात करते हैं कि भाई अब आगे जो आपने ई मैंडेट अपना स्टार्ट किया है उसको आप कैसे बंद करोगे। तो भाई ई मैंडेट को बंद करने का काफी ईजी तरीका है। आप ई मैंडेट आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ई मैंडेट आप अपने यूपीआई ऐप से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनसे भी आप कर सकते हो। अब अगर आपने मान के चले यूपीआई ऐप से किया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से किया, तो वहीं पर आप अपनी सेटिंग्स में जाओगे, प्रोफाइल सेटिंग्स में जाओगे, तो वहां पर आपको ऑटोमेटिक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा आपके यूपीआई ऐप में, वहां से जाके आप अपना ई मैंडेट बंद कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से स्टार्ट किया है तो बैंक अकाउंट में आप नेट बैंकिंग में जाकर लॉग इन करोगे, वहां से आप अपना बंद कर सकते हो। और अगर आपको ये लगता है कि भाई ई मैंडेट हम कर तो देंगे, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट आपको करना होता है और थोड़ा सा प्रोसेस होता है कुछ एक दो मिनट का, वो अगर आप कर देते हो तो ई मैंडेट तो आपका इजिली स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि बंद करने में मुझे प्रॉब्लम फेस हो सकती है, बंद में नहीं कर पाऊंगा, और ऑटोमेटिकली जो एसआईपी का अमाउंट है वो हर महीने मेरे बैंक अकाउंट से कटता जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो उसका भी सोल्यूशन आपको देता हूं। आप क्या करो, क्रेडिट कार्ड ऐप के अंदर ही आपको काफी सेविंग्स अकाउंट मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड ऐप में मिल जाएंगे, वन क्लिक अन में मिल जाएंगे, आपको ग्रोमो पे मिल जाएंगे, पिक माई वर्क पे मिल जाएंगे, काफी एफिलिएट नेटवर्क्स अवेलेबल है जिनकी सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। टॉप जो एफिलिएट नेटवर्क्स है जो कि मार्केट में अभी चल रहे हैं और जिनका आप यूज कर सकते हो रेफर करके अर्न करने के लिए, पंजर प्रोस को रिकमेंड करके अर्न करने के लिए, उन सभी को आप डाउनलोड करके रखिए। वहां पर आप देखोगे काफी तरह के सेविंग्स अकाउंट भी आपको मिलते हैं, तो वो सभी सेविंग्स अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हो, आप FI बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हो, या फिर कोटक 811 आप अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हो, और भी काफी आपको सेविंग्स अकाउंट देखने को मिल जाएंगे, वो सभी आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हो, और वो सेविंग्स अकाउंट आप यहाँ पे ई मैंडेट में लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उस सेविंग्स अकाउंट में बिल्कुल भी बैलेंस मत रखो। अगर आपको डर है कि आप अपना ई मैंडेट बंद नहीं कर सकते हो, अगर आप कंफ्यूज रहेंगे भाई कैसे करेंगे क्या होगा, तो आप एक नया सेविंग्स अकाउंट क्रिएट करो, उसमें बैलेंस मत रखो, और अपना जो ई मैंडेट है वो वहाँ पे जरूर रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यार देखो, बंद कर दोगे तो काफी बेस्ट रहेगा आपके लिए, और कोई यहाँ पे हार्ड वर्क वाला काम नहीं है ई मैंडेट को बंद करना, इजीली आप कर पाओगे। अगर फिर भी कोई इशू आता है आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड ई मैंडेट को बंद करने में, तो डायरेक्टली आप बैंक से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो कस्टमर सपोर्ट नंबर के थ्रू, उनसे भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कैसे आप अपना ई मैंडेट बंद कर सकते हो। बाकी यहाँ पर काफी बढ़िया कैंपेन है, काफी बढ़िया अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इसको। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्रेडिट कार्ड ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ पर अर्निंग करना स्टार्ट करो। 3000 रुपये भाई एक सिंगल रेफर का अमाउंट आपको मिल रहा है, कम बिल्कुल भी नहीं है। दो रेफर कर दोगे 6000 आप अर्न कर लोगे, 3 रेफर कर दोगे भाई 9000 रुपये आप अर्न कर लोगे, बिल्कुल भी कम नहीं है। और एक चीज और आपको बता दो जाते जाते भाई, यहाँ पर जो आप 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करोगे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में, वो भाई आपका लॉक रहेगा 3 साल के लिए, 3 साल का लॉक इन पीरियड वहाँ पे रहता है, ये चीज आपको क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, यानी कि 3 साल से पहले आप उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते हो भाई, ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, क्योंकि बाद में आप बोलोगे कमेंट करोगे हमारा जो अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट किया वो विड्रॉ नहीं होगा, तो भाई वो विड्रॉ नहीं होगा, क्लियर कर देता हूं मैं, वो आपका 3 साल के बाद में ही विड्रॉ होगा। अब अगर आपको इस कंडीशन में आपकी एसआईपी स्टार्ट रखनी है तो आप रख सकते हो, नहीं रखनी है तो 500 रुपये एज इट इज वहाँ पे पड़ा रहने दो, फिर भी आपका कोई लॉस नहीं है, 2500 का आपका यहाँ पे बेनिफिट ही हो रहा है, तो आप उसको पड़ा भी रहने दे सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। बाकी यार इन्वेस्टमेंट एक अच्छी हैबिट है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप गोल्ड में करो, या फिर आप म्यूचुअल फंड में करो, तो कहीं भी आपका इन्वेस्टमेंट करो, अगर आप अर्न कर रहे हो, अगर आप कमा रहे हो, तो भाई उसका थोड़ा सा पोर्शन आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक अच्छी हैबिट है, लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिशियल आपके लिए साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों, अगर वीडियो आपको जरा सी पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और फिर चैनल पे नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो और फिर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आपको डेली देखने को मिलती रहेंगी जिनसे आप डेली अर्निंग करते रहेंगे। सो मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, मेरे टाइम कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।